बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सब इन सबसे पहले जी ईद मिलादुन्नबी मुबारक। आज के मुबारक दिन के सदके अल्लाह ताला सब की सब मुश्किलात जो हैं वो हल करें और हिबा के पापा भी जल्दी से आ जाएंगे, खैर खैरियत से आ जाएं ना हिबा। हाँ जी, देखा खुशी में बोल दिया है। हाँ जी, खुशी में बोल दिया। हादिया भी रेडी हो चुकी है, ये देखिए जी हादिया तैयार। हादिया इधर आओ ना, सलाम लो सबसे और बोलो ईद मिलादुन्नबी मुबारक। ईद मुबारक। युदा बोले, युदा सलाम लो सबसे, ईद मिलादुन्नबी मुबारक सबको। और जिस जिसने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो आज के दिन हमारे साथ ये ज़्यादती नहीं करेंगे। लाजमी जब आपको वीडियो हमारी देखें तो उसके नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आएगा, उसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो रिसीव हो चुके ट्रोंग करके, हाँ साथ में आपको बेल भी सुनाई दे। तो जी अभी जो है वो हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम भी तैयार हैं। ये मेरे जूते पहने हुए, मेरे कपड़े पहने हुए, मैंने अभी तक दुपट्टा नहीं लिया, भी हिजाब नहीं किया, तो इसलिए मैं अभी सामने नहीं आई। तो इंशाल्लाह अभी हम रेडी हो रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं ईद मिलादुन्नबी मुबारक मनाने के लिए कहीं बाहर। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। आज मैं आपको दिखाऊंगी हम जो है वो पाकिस्तान में हमारे एरिए में किस तरह से ईद मिलादुन्नबी मुबारक मनाई जाती है, ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है गलियों मोहल्लों में किस तरह से सेलिब्रेशन होती है, किस तरह से सब कुछ जो है वो भी अभी आगे जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी क्या क्या। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आप वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल देखना है। तो जी अभी चलते हैं, अभी मैं रेडी होने लगी हूँ, बुरका पहनने लगी हूँ और फाइनली जी हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग जाने लगे हैं बाहर। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी लुक दिखा दूँ, लेकिन मेरी लुक तो सिर्फ अबाय में है मेरी फनी ना। तो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे आपको अपनी लुक कि मैंने क्या पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ, ये तो आप लोग बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। तो जी अभी चलते हैं हम लोग, मैं बैग पकड़ लूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड हैं बाहर जाने के लिए। तो हम लोगों ने इसमें बच्चों के कपड़े वगैरह रखे हैं, एक ड्रेस रखा है। तो अभी चलते हैं हम लोग जो हैं वो अब जा रहे हैं, हमने रिक्शा करवाने लगी है। मेरा बेटा जो है ना ये मेरी गोदी में, और ये काफ़ी बंद ही है तकरीबन, लेकिन खुली नहीं है दुकान। लोग बैठ गए हैं रिक्शे में और जा रहे हैं, और ये मेरा काका गंदा हो गया सारा, इसने फिर माँ अपना गंदा कर दिया, फिर माँ नहीं खा लिया इसे। कुछ लेकर तो जाना पड़ता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे जा रहे हैं। बेकरी है ये, बेकरी से ले लें हम कुछ केक, ले लिया हमने, इसको पैकिंग करवाते हैं और फिर चलते हैं। केक ले लिया हमने, अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। फाइनली हम लोग अब पहुंच चुके
चुके हैं। और ये मैंने कहा था मैं अपनी फुल लुक दिखाऊंगी, तो मेरी फुल लुक है ये। ये है हमारी फुल लुक, देखते हैं ये मेरा ड्रेस है। तो ये हिंदी बाबा जी मेरे साथ कह रही मेरे मम्मा के साथ आ रही है ना, इसलिए बार बार आगे आ रही है। देखिए मेरा प्यारा सा बेटा कैसा लग रहा है, जो कड़ा लग रहा है ना जी, कड़ा लग रहा है। और ये जी मेरा ड्रेस है, मेरे पास जो है वो स्पेशल ड्रेस मैंने अपने लिए नहीं बनाया था, सिर्फ बच्चों के लिए बनाए थे, तो हमारा इसी से गुजारा हो गया। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, तो क्योंकि ये मैंने इतनी मेहनत जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए की है कि मेरा चैनल जो है आप लोग आए यहाँ पे और एक अच्छी वीडियो देखें। तो आज मैं भी पहली दफ़ा देखूँगी और आपको भी मैं साथ में पहली दफ़ा ये चीज़ देखूँगी। तो बहुत ही रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है। मेरी आवाज़ अगर आपको कम लगे तो कोई बात नहीं, दोनों टूटियाँ कान में लगा के सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा शोर है और मैं अपनी हैंड ब्रीगर भूल गई। तो देखना है मेरी बात से मतलब नहीं होना चाहिए। तो जी अभी जुलूस आने वाला है यहाँ पे बहुत बड़ा, आई थिंक फैजाबाद का सबसे बड़ा, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखना है जुलूस, मैंने कभी नहीं देखा। तो इसलिए मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का ये पहला और बड़ा जुलूस है जो मैं यहाँ पे देखूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और वीडियो को फुल देखना है, स्किप नहीं करना, वरना मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल। पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, अभी इसका सायरन ऑन होगा, जैसे ही पुलिस का सायरन ऑन होगा उसके बाद जो है यहाँ से जुलूस जो है वो गुजरेगा। यहाँ पे लोग मुख्तलिफ तरीके से अपनी अपनी जो है वो देखे, कोई घोड़ा लेके आ रहा है, कोई किसी ने गाड़ी से जाई हुई है, किसी ने कुछ, कोई रिक्शों पे आ रहा है, कोई किसी तरह से आ रहा है। आई थिंक ये रास्ते चेक करती है पुलिस की गाड़ी। इसके पीछे ही 112 की भी गाड़ी है रेस्क्यू की, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई मसला वगैरह हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और रश भी बहुत ज़्यादा है। हर लल्लू पंजू गुजर रहे हैं यहाँ से घोड़े के ऊपर बैठ के।